अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह फजल। जी? अभी आपसे बातचीत हुई होगी मंसूर खान साहब की सूफी इस्लामिक बोर्ड से। हाँ जी, इसमें उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। इसमें एक्चुअली वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा जवाबात वगैरह अभी मसरूफियत की वजह से नहीं दे पाए, तो उन्होंने मुझे आदेश किया कि एक बार आपसे बात करें और आपके जो शुभे और इजाले हैं उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। क्या है क्या नहीं, किस तरीके से, आपको क्या दिक्कत है, आप फरमाएं क्या जी, दिक्कत मुझे है, क्या क्या जो नहीं, सवालात थे आपके। दिक्कत दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत आप लोगों को है ना। दिक्कत किस चीज़ की? किस चीज़ की दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, दिक्कत हम लोगों को इस चीज़ की है कि देखिए जिस तरीके से कट्टरपंथी या किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी के खिलाफ इस हद तक चले जाना कि यहाँ तक उसकी जान चली जाए, ये इस्लाम में कहाँ जायज़ है। अभी बलरामपुर उत्तर प्रदेश में एक मौलाना की, एक अहले सुन्नत लेकिन दूसरे सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले मदारी, यानी जो हज़रत मदार पाक के जो मुरीद हैं, उनकी एक आलिम दीन की जो है गला काट के हत्या कर दी गई, मार दिया गया। किसने मारा? एक शीरान रजा थे वहाँ पे, उन्होंने मारा। किस वजह से मारा? क्योंकि उन्हें उन्होंने तकारीर में अपनी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लिया, इसलिए मार दिया गया। ये सही है या गलत है? ये आप पूरी बराए 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 करम पहले इस चीज का जवाब दें, ये सही है या गलत है? उतरौला बलरामपुर की ये घटना है। आप बता रहे ना, मुझे तो इस चीज की मतलब कि मुझे तो इस चीज में कोई मुझे पता नहीं है इस चीज में। जानकारी करनी चाहिए थी आपको मेरे भाई। अब दूसरी चीज, एक सवाल, दूसरा सवाल मेरी तरफ से आपके लिए और है कि आसिफ रजा जलाली और खादिम हुसैन रिजवी या हाफिज सईद या मुल्ला उमर, ये सब लोग जितने भी किस्म के ऐसे लोग हैं, कि आप क्या उनका समर्थन कर सकते हैं? इन लोगों का मतलब आप हाफिज सईद का या उसामा बिन लादेन का आप समर्थन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं हम तो। आप हिंद, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक आप चलते हैं, और बेशक चलते क्या हैं, कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि हुब्बुल अपने, वतनी मिनल ईमान, यह हदीस है यह हदीस है, इसकी कौन इसकी सी सही इस? सही इसनाद, अभी मैं आपको इस पे जरा और तादील सारी चीजें बताता हूँ मैं इस चीज पर, इस चीज पर। अब चलिए, अगर बकौल मतलब इस चीज की भी, अगर आप ये भी कह रहे हैं कि आपके मुताबिक ये हदीस नहीं है, एक रिवायत भी है, तो क्या ये बताइए, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जहाँ की खाते हैं, तो क्या आप उनके दुश्मनों से आप हाथ मिलाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। आसिफ रजा जलाली साहब का एक वीडियो ऐसा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में, कश्मीर को और हिंदुस्तान को हम पाकिस्तान में मिला लेंगे, आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं मौलाना गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी, सुनिए यहाँ पर, आप बोलिए, नहीं आप सुनिए, आप सुनिए सुनिए, आप मैं उनकी क्लिप के ऊपर, आप एक मिनट एक मिनट, मैं आप उनकी सुनने मैं की क्षमता उनकी क्लिप रखिएगा, बात मैं कहिए उनकी आपने। क्लिप के ऊपर, मेरे भाई, मैं उनकी मैं क्लिप के आपने ऊपर उनकी आपसे एक क्लिप के सवाल ऊपर पूछ बात कर रहा रहे हैं, हूँ। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, आप आप मेरे भाई बात पहले मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि भाई, क्या आप मैं आसिफ आप रजा जलाली यही साहब के सवाल मैं इस आपसे बात करूं, का, इस मैं बात एक का सवाल, समर्थन करते हैं आप, कि उन्होंने जो कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी मतलब गैर मुस्लिम आप, हजरात हैं उनको मार दिया जाएगा, मैं और आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का नहीं, आप जवाब, मेरे आप भाई, अपने मैंने मैंने सवाले आपके, सवाल नहीं होता, ये तकाबुल नहीं हो रहा है, या अध्ययन नहीं चल रहा है। मैं मैं नहीं, आप मैं मैंने ना ही आपसे एक, तकाबुल कर रहा हूं ना ही अध्ययन कर रहा हूं। आपने जो कहा ना मैंने सुन लिया, आप मेरी सुनेंगे अब? आप पहले, मैंने आपने आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं, दिया ना। आप ये आपने बताइए कि आप आसिफ रजा जलाली साहब का इस चीज का समर्थन करते हैं कि जो उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम पाकिस्तान में मिला लेंगे, और हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठकर जो भी मूर्ति पूजी यानी गैर मुस्लिम हजरात हैं उनको मार कर हम जो है उनको उनके पर छक्के उड़ा देंगे, ये सब उन्होंने कहा, कि आप इस चीज का समर्थन करते हैं या नहीं? हो गया ना आपका, नहीं, आप आप करते सुनेंगे हैं या नहीं नहीं? आप? अरे भाई, आप मैं नहीं, आप आप जवाब तो लीजिए ना। नहीं, हाँ या ना में एक बार अरे जवाब दे जवाब तो दीजिए ना, लीजिए ना। उसके हाँ बाद ना आप, में क्यों, उसके हाँ ना बाद से आप, मतलब क्या है? नहीं आप बिल्कुल, जवाब लीजिए ना पूरा, मेरे भाई मैं आपको पहले पूरा जवाब दूंगा। हाँ ना से मतलब नहीं है, पूरा जवाब दे रहा हूँ। मैं भाई, जाहिर सी बात है, आप करते हैं या नहीं, अरे बस कैसे, इतना मैंने उनसे अरे भाई पूछा। तो जवाब तो सुनिए ना, तो फिर तो भाई आप क्यों, ये तो बताइए ना, हाँ या ना? हाँ ना से मतलब क्या है? मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूँ, पूरा सुनने की क्षमता रख रहे हैं।
अरे बिल्कुल क्षमता सर, क्षमता रख रहे हैं, अगर क्षमता, आप अगर जवाब देने की सुनने क्षमता नहीं की, रख पा रहे हैं। अगर नहीं आप जवाब जवाब दे, क्योंकि जब आपकी आपके आप इस नहीं पर नहीं नहीं तादील करेंगे, आप तावील नहीं कर रहा हूं मैं आप इस पर मैं तादील करेंगे, आप इस पर क्या जरा करेंगे। देखिए क्या आपसे तावील क्या हाँ या करूंगा, ना, चलिए आप बताइए तावील क्या हाँ या करूंगा, आप किसी और का तावील क्या करूंगा वाकया, मैं, आप किसी और का वाकया निकाल के इधर पे इसको जिम्मे में मैं लेकर किसी आना और चाहेंगे। का वाकया नहीं ले आप रहा हूं, सिर्फ मैं इतना आपसे मेरे मेरे भाई, आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या मौलाना आसिफ रजा जलाली साहब का इस वक्तव्य का आप समर्थन करते हैं कि जो उन्होंने कहा कि गैर जब मुस्लिम मैं हजरात आपसे को कह रहा हूँ सवाल हिंदुस्तान का के जवाब अंदर दीजिए, अगर आप जवाब लेने की क्षमता हो तो बात कीजिए, वरना फोन आपको कट कीजिए और जाइए। हाँ हाँ या ना, मैं आपको जवाब दे हाँ यही ना ही मैं रहा। नहीं, मैं आज आपको पूरा जवाब दे रहा हूँ तो आपको जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छा अभी ठीक है, आपने क्या कहा कि हुब्बुल वतनी मिन अलीमान, ठीक है, आप अपना जवाब आपने दे क्या दो, कहा आप अपना हुब्बुल, जवाब दे दीजिए। हाँ चलिए आपने क्या कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हुब्बुल वतनी मिन अलीमान, मतलब वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, बिल्कुल ये आपके मुताबिक जी। आपने कहा, यह हदीस है, ठीक है ना। अगर आसिफ जलाली कह रहे हैं अपने वतन के हिसाब से, हमारे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक मुसलमान का एक बच्चा ये कहता है, अगर पाकिस्तान का अगर कोई भी व्यक्ति, वो हिंदुस्तान, वो सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, राफजी हो, कादियानी हो, है कोई भी हो, ठीक है, चाहे वहां का हिंदू हो, अगर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखेगा हम उसकी आंख फोड़ देंगे। यानी आप आसिफ रजा जलाली की आंख फोड़ देंगे अगर वो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखेंगे आंख फोड़ और देंगे, किबला किबला मन्नानी मियां साहब उसको जाकर उसको अपना उत्तराधिकारी यानी अपना डिसेंडेंट अपना जानशीन, और ये कह रहे हैं कि ये मेरे यानी ये मतलब सेम वही वो चीज कि जो है इनकी वजह से यहाँ पर जो है अहले सुन्नत का बोलबाला है, तो ये बताइए कि क्या हजरत मन्नानी मियां साहब का ये जुमला सही है या वो नहीं। उन्होंने अपने वतन के हिसाब से कहा है, अरे उन्होंने तो मन्नानी मियां कहाँ के रहने वाले हैं, अपनों नहीं, मैं आसिफ जलाली की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है उन्होंने उन्होंने अपने, अपने अब वतन तो के हिसाब से कहा, ऐसे शख्स हमने को, कहा ऐसे है शख्स को, हमने अपने ऐसे वतन के हिसाब आसिफ से रजा कहा। जलाली और एक खादिम मिनट, हुसैन रिजवी साहब ये दोनों मौलाना कासमी ने कहा कि हम सब शंकर की पैदाइश हैं, शंकर की औलादे हैं, बताइए मुझे आप शंकर की मुझे औलादे हैं? मुझ भाई मैं सही नसब मैं सैयद हूँ शिजरे के साथ, ठीक है। इस चीज आप को तो आप सैयद हैं, इस ठीक, चीज को नहीं, इस चीज को आप इस शिजरे चीज के को साथ हो यार, सुनिएगा इस ना, चीज अब को जब अरे बात नहीं, फोन किया तो बात करने की क्षमता, आप सुनिएगा। बात दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। आप पहले मेरी चंद सवालों का जवाब, अब मन्नानी मियां ने वहां पर जाकर उसी आतंकवादी का, जो आतंकवादी हिंदुस्तान के खिलाफ अपने जबान को निकालता है, उसको अपना जानशीन बताया, ये सही है या गलत है। कहा वो जाने, हम क्या कह रहे हैं यहाँ, अरे तो हमारी आप उनको सुनिएगा, डिफेंस कर रहे हैं ना, मैं उनको डिफेंस नहीं कर रहा हूं, मैं तो आप उस कहिए बात कि को डिफेंस मन्नानी कर रहा हूं मियां ने गलत है, जिस शख्स मन्नानी से, मियां ने मैं गलत उस, किया। अरे जब आप, मैंने आपसे कहा अगर बात करने की क्षमता हो बात कीजिए, वरना अरे फोन तो आप कट बात कीजिए और कहाँ कर रहे जाइए। हैं, आप अपनी बात कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। आप ये फिर मैं अपनी अपनी बातें बना बताए बताए जा रहे हैं। आपने आप नहीं, तो जो मैं आपकी मंसूर बातें सुनता खान साहब से, रहूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो आपने आपसे बातें बात करता, करी, मैं आपकी सुनता रहूं, आपने जो बातें करी उनसे, जो सवालात उन्हों आप उनसे पूछ रहे थे, वही सवालात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं ही तो, फिर मेरा काम है सवाल करने का, सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन मैं आपसे एज अ जर्नलिस्ट या एज अ पत्रकार नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके शुबहात के इजाले कर रहा हूँ। मेरे शुभहात के इजाले आप ना कीजिए, अरे तो क्यों ना करें भाई, आप आकर हमारे ऊपर, हमारे बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, आप गलत आपका बयानी किस्ब बोर्ड है, बयानी मैंने करेंगे, उनसे सवाल ये आप किया किस्ब था, बयानी करेंगे और इस तरीके के किस्ब बयानी, इल्जाम नहीं किस्ब बिल्कुल बयानी, तो आप किस्ब किस्ब बयानी बयानी है, तो आपका बोर्ड कर रहा है क्या कर रहा जो है बताइए, हिंदुस्तान के अंदर दंगे फैलाना चाहता है, क्या कर रहा इंतशार है, क्या पैदा क्या करना कर रहा है, चाहता है, क्या कर रहा है, बताइए मुझे क्या कर रहा है, क्या इंतशार, अब ये इंतशार फैलाना नहीं है कि इनको करो, उनको करो, ये करो और क्या वो करो, करो, क्या क्या या करो, बताइए आपके पास में क्या सबूत है कि ये वो क्या आतंकवादी हैं, कौन मौलाना असजद रजा या कि मौलाना, मौलाना जियाउल मुस्तफा? आप ये बताइए कि आतंकवाद का सपोर्ट करने वाला आतंकवादी है या नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तो नहीं हिंदुस्तान भाई की नहीं एजेंसी नहीं अगर नहीं नहीं है, नहीं 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 आप मुझे सिर्फ एक हिंदुस्तान चीज, की, नहीं, आप बात हिंदुस्तान करो की नहीं पड़, सुरक्षा एजेंसी, मेरे भाई हिंदुस्तान की सुरक्षा, मिस्टर पत्रकार, हिंदुस्तान की सुरक्षा आप एजेंसी अपनी क्या कर रही है? हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की बात बाद में, आप ये बताइए आतंकवाद का सपोर्ट करने वाला आतंकवादी है या नहीं, तो आप आतंकवाद का सपोर्ट आतंकवाद करने का वाला सपोर्ट करने वाला मदरसा ए आतंकवादी है देवबंद, या नहीं है। मदरसा ए देवबंद के अंदर, और मैं एक मदरसा सुने यहाँ, देवबंद की खुली मुखालफत करता हूं, मैं कहता हूं ये लोग खुले आतंकवादी हैं। अब आप बताइए क्या आतंकवाद का समर्थन करने वाला आतंकवादी है या नहीं। आतंकवाद का समर्थन करने वाला आतंकवादी है, लेकिन ये बताइए मुझे नहीं नहीं आसिफ, बस 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 1 मिनट, अब आतंकवाद का समर्थन करने वाला जब आतंकवादी है और वहां की लिस्ट के अनुसार, ISI की लिस्ट के अनुसार, वहां की इंटेलिजेंस के अनुसार, वहां की आर्मी के अनुसार, तहरीक लब्बैक सबसे बड़ी आतंकवाद फैला रही है वहां पर,
और उन्होंने आसिफ रजा आतंकवादी जल का आसिफ वहां रजा वो जलाली के नहीं खिलाफ आसिफ रजा जलाली के खिलाफ पंजाब कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब पार्लियामेंट में पूरा एक सत्र चला था, पूरा एक सेशन चला था कि इसको गिरफ्तार किया जाए। तब ये नामकुल गिरफ्तार हुआ जब इसने जनाबे सैयदाए कायनात जनाबे फातिमतु जहरा के ऊपर गुस्ताखी की थी। आपकी गैरत कहां मर गई कि हमारी गैरत आप फातिमतु जहरा के गुस्ताखों के साथ उनको उनके उनके अगर आसिफ रजा जलाली जैसे गुस्ताख गुस्ताखे फातिमतु जहरा गुस्ताखे इमाम हुसैन के लिए आप डिफेंस कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप अपने आप अरे को भाई, मुसलमान कहला रहे हैं। अगर उन्होंने गुस्ताखी की थी, अगर उन्होंने गुस्ताखी की है, जी बताइए वो लफ्ज क्या है जो उन्होंने बयान किए थे, जनाबे बताएं मुझे फातिमतु जहरा के लिए उन्होंने कहा था कि वो खता पर थी, वो बताएं खता पर कि थी। किस चीज पर कहा था कि वो खता पर थी, बताएं बागे फिदक को लेकर बागे फिदक का क्या मसला है, बागे फिदक का बताएं, आप ये बताएं, आप बताइए बागे फिदक को क्या समझते हैं, नहीं बागे फिदक का मसला, आप बागे फिदक को क्या समझते हैं, बाग मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाग फिदक का मसला क्या है। आप बताइए ना, अरे भाई मैं तुमसे पूछ, तुम कह रहे हो उन्होंने गुस्ताखी की, तो बताए ना मुझे बाग फिदक क्या है। आप ये बताइए कि क्या पूरी दुनिया में किसी भी इंसान की आज तक ये हिम्मत हुई कि जनाबे सैयदाए कायनात खता पर थी, अगर अमवाले फ़ै में से था या नहीं था या किसी भी तरीके से कहीं पर भी वो नबी की विरासत थी, तो क्या ये बताइए किसी मुहद्दिस की मुफस्सिर की या किसी भी तफसीर करने वाले की किसी आज तक की इतनी हिम्मत हुई है जना हजरते अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जब एक मरतबा एक हदीस शरीफ नकल फरमा रहे थे जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि जिसमें आपने ये फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके हाथ काटे जाते, तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा कि मेरी हिम्मत ये नहीं है, ये रसूल अल्लाह की अजमत थी कि उन्होंने जनाबे फातिमा तो जहरा की तमसील दे दी, लेकिन मेरी हिम्मत ये नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से जनाबे फातिमा तो जहरा की नाम को इसमें हूबहू नकल कर दूं, लिहाजा उन्होंने हाशिया लिखकर ये कहा कि मैं जनाबे फातिमा का नाम लिखकर नहीं बल्कि ये कहूंगा यहाँ पर कि अगर किसी की बेटी ने भी अगर वहां पर चोरी की होती तो वो उसके हाथ काटे जाते। तो तो आप ये ऐसा बताइए कीजिए ना, तो जलालुद्दीन सुयूती सुनिए अफजल आप, है या आसिफ रजा जलाली जो गुस्ताख कह हाँ रहा है, जो कह तो रहा है अब कि सुनिए, खता पर थी। तो अब सुनिए ना, अब उन्होंने गुस्ताखी की, कुफर का फतवा आप भेज दीजिए, अरे फतवा दिया गया, वो हर धर्मी है, उसने नहीं कबूल नहीं अब ऐसा किया। कीजिए, हाँ तो कुफर का फतवा आप भेज, ठीक है उन्होंने गुस्ताखी की, कुफर का फतवा आप भेज दीजिए, ये उनके और लिए बोल दूसरी रहे बात हैं यहां जिसके सुनिए लिए ना, जिसके लिए मुबाहले में ये कहा कि ये मेरे नफ्स हैं, मैं उसको बोल रहा गुस्ताख हूँ, उसको उसको सुने खता यहाँ, पर बोल रहे हैं। अरे जिसको अब नफ्स बोलते कहा ही जाएगा, रहेंगे, नहीं, अब बोलने की क्या बात है, उसको उसको ये गुस्ताख कह रहे हैं। जी हेलो, भाई फोन कट गया था आप, शायद आपकी तरफ से। हाँ मैंने खुद ही कट किया था, फोन आ रहा था मेरा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये बताइए मेरे भाई बिल्कुल आराम के साथ इस चीज पे गुफ्तगू करते हैं कि जिसको नफ्स बोला जनाबे रसूल करीम ने और आयत मुबाहिला में इस चीज का कुरान करीम में जिसको जिसके अल्फाजात हरूफ मौजूद हैं कि जो रसूल करीम जिसको अपना नफ्स कह रहे हैं ऊपर ये तो क्या कहते हैं जिसको नफ्स अपना कह रहे हैं उसको ये खता पे कह रहे हैं। कितने कितने बड़े बड़े मुफस्सरीन ने अल्लामा अरे भाई अलाउद्दीन कादरी ने आप अलाउद्दीन अलाउ कादरी अलाउद्दीन कादरी साहब ने इस चीज पर फतवा दिया कि आप नहीं रुजू जिस करिए, भाई रुजू करिए, लेकिन उन्होंने उस शख्स की हट धर्मी थी, उन्होंने कहा नहीं मैं रुजू नहीं करूंगा। हम आपसे कह रहे हैं, अगर उन्होंने गलती की है तो आप कुफर का फतवा भेज दीजिए उनके ऊपर, और उनसे तौबा करवा लीजिए, ठीक है अब ये बात यहाँ पर खत्म भैया कीजिए। सोए हुए को जगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का नाटक करे उसे जगाना बहुत मुश्किल होता है, और इस चीज का सबूत आसिफ रजा जलाली दे चुके हैं क्योंकि जब उनको तौबा के लिए रुजू नामा भेजा गया, यहाँ तक के अमीन मिल्लत अमीन मियाँ कादरी ने भी कहा कि आप इस चीज पर रुजू कीजिए और इनसे मैं बरियत का इजहार करता हूँ, तब भी इस शख्स ने रुजू नहीं किया। तो आप ऐसा कीजिए अब ना, ठीक है, आपके पास में जितने सबूत हैं, हाँ जितने सबूत हैं आपके, जो जिसके बारे में आपने कहा कि ये आतंकवादियों से मिलते जुलते हैं, आप पूरे सबूत ले जाकर के गवर्नमेंट को दे दीजिए, गवर्नमेंट नहीं, को दे, गवर्नमेंट तो इस पे जांच कर अरे ही रही है, अगर दोषी हाँ पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर दोषी हाँ नहीं पाए जाएंगे ठीक तो खत्म है, हाँ बात। ठीक है ठीक है लेकिन ठीक है, लेकिन जब इस चीज को मेरे भाई, इस चीज को मेरे भाई कहीं पर भी इस तरीके से मतलब वो ना करिए कि यहाँ पर ये कोई साजिश की जा रही है या कुछ किया जा रहा है। मैं इससे सिर्फ बड़ी इतना हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जैसे आप जैसे बोर्ड वालों की है ना, वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं, क्या क्या आप लोगों झगड़ा को फैलाया,
इससे बड़ा झगड़ा क्या होगा? आप हिंदुस्तान के अंदर इंतजार फैला रहे हैं क्या झगड़ा फैलाया ये बता, क्या एक इंतजार दूसरे, फैलाया? नहीं उसके लिए कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों से मिला हुआ, वो अच्छा ये आतंकवादियों से मिला बताइए, हुआ है आतंकवाद नहीं किसी का गला काट देना, किसी हिंदुस्तान के आलिम अंदर दीन, किसी हिंदू, आलिम दीन का गला काट देना आतंकवाद नहीं है? वो जिसने गला काटा है आप उससे जाकर के पूछिए उसने गला वो क्यों किसका काटा। मुरीद है? वो हुजूर ताजू शरिया का मुरीद है? मैं कह रहा हूँ ताजो शरिया का नहीं है, वो आला हजरत का मुरीद हो, आप जाकर के आप उससे ये बताइए पूछिए, आतंकवाद है या नहीं? आप उससे उसने साफ तौर से कहा जो रजाक है नहीं वो हमारा नहीं। बेशक जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, हम कहते हाँ तो हैं, उसने कत्ल कर दिया, हम भी कहते हैं जो रजा का नहीं वो हमारा तो नहीं। यानी आप भी कत्ल अगर कर देंगे किसी का भी? क्यों करेंगे हम कत्ल? अरे तो उसने कत्ल किया ना, जो रजा आप का नहीं उससे, वो हमारा नहीं, उसने मार दिया आप आदमी को। उससे जा करके पूछिए तो सही, आप उसने सर कलम जो करने का फतवा दिए दे रहे हैं लोगों के? अभी उस, झारखंड का मामला है क्या? ये बताइए क्या मुर्दे को जमीन, सिर्फ इस बिना पर कि वो चिश्ती सिलसिले से मुंसलिक था और कव्वाली सुना सिमा सुना करता था और मुहर्रम में ताजिया रखा करता था। अब ये भी बहुत अलग बहस है कि ताजिया जायज है या नहीं जायज है, या जो है चिश्तियों में सिमा जायज है या नहीं जायज है, ये अलग बहस है। लेकिन क्या इस बिना पर किसी मुर्दे को निकाल कर बाहर कर देना, कब्र से निकाल कर बाहर फेंक देना और उसके बाद उनके घर को बाइकआउट कर देना, घर की औरतों को मारना पीटना, ये मुफ्ती कर रहे हैं? ये मुफ्ती कर रहे हैं? ये अतिवाद कौन कर रहा है? बिल्कुल आप हंस रहे हैं? वाह हंसेंगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है। भैया, आप जाकर सर्च, आपको आपको यही नहीं मालूम? आप इन्फॉर्मेशन ही आधी रखते हैं ना, वजह तो इस हम वजह कह से रहे ही हैं है गुमराही की। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है ना, सब आप ही को आकर के बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, भैया यहाँ पर हो रहा इसका है, नाम हो रहा लेकर है काट इसका। दिया, अरे वहां पर अरे इसका नाम लेकर काट दिया, आप वहां पे इसका जाकर, नाम लेकर काट दिया, हिंदुस्तान के अंदर जो फसाद फैला रहे हैं, हिंदुस्तान के झारखंड अंदर के जो फसाद। डीजीपी से आप जाकर पूछिए कि क्या सत्रह अरे हाँ मुफ्तियों के पता, खिलाफ, हमें पता सत्रह है, हमें मुफ्तियों पता के है कि खिलाफ और आप, चौदह हमें चौदह पता है इमामों के आपका बोर्ड खिलाफ, जो है क्या जो बीजेपी से है, मिला हुआ है वो छोड़ेगा। अब दूसरी सुनिएगा यहाँ, मैं हलफन इस चीज के लिए कह रहा हूं हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं हलफन नहीं में अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ। अब बताइए, चलिएगा, अगर अगर आप एक मुसलमान की कसम की यकीन रखते हैं तो आप बताइए, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ हैं, जो हमारी तालीमात ना के खिलाफ हैं? ना तालीमात, तुम्हारी तालीमात क्या है? आपकी तालीमात क्या? आपकी तालीमात यह है कि आपने आपने 17 मुसलमान फैमिलियों का बाइकॉट करके कई लोगों को मरवा दिया, यह है आपका, ये आपका तालीमात है? आप हंसी हंसी तो आएगी ना, 17 कम है, आप लोगों के लिए आंकड़े ज्यादा होने चाहिए। आप लोग तो चाहते हैं 100 आदमी मरे, 500 आदमी मरे, 600 आदमी नहीं, मरे। जो हिंदुस्तान के अंदर फसाद फैला रहे हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर झगड़ा करा रहे हैं, जो अच्छा, मुसलमानों के अंदर एक दूसरे की आला हजरत नफरत पैदा फाजले कर रहे बरेलवी हैं। का, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का नाम लेकर जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, फतवा दे रहे हैं बाइकॉट का, इस तरीके की चीजों का, ये गलत कर रहे हैं आला सही कर रहे हैं? हजरत का नाम लेकर नहीं, नबी के गुस्ताखों को, नबी के गुस्ताखों को वो पहुंचा रहे हैं बाय तकमील। मतलब यानी आप इस चीज को कबूल कर रहे हैं कि नबी के गुस्ताखों को जो है ये लोग जो है इस तरीके से कर रहे हैं? अगर जो नबी की गुस्ताख को मारता है, अभी अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभी वसीम रिजवी ने जो कुरान के ऊपर जो बवेला मचाया, आप क्या हाँ कहते हैं? बिल्कुल गलत किया। शरीयत सबसे पहली पीआईएल हम लोगों ने दाखिल की, किसी ने दाखिल नहीं की। क्या ये बताइए क्या क्या एक रैली कर लेने से, रैली भी नहीं की इत्तेफाक से, मामला ये है क्योंकि मदरसों से एड बंद हो जाती बीजेपी गवर्नमेंट में। आप ये बताइए कि किस मौलाना ने, किस मौलवी ने सड़क पर उतर कर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया? आप बताइए, मैंने किया, मेरे बोर्ड ने किया, लखनऊ के अंदर किया, उसके घर के बाहर कुरान मजीद को पढ़कर किया, आप बताइए। कौन सी चीज बताई आप कह रहे हैं क्या? अब बरेली शरीफ के अंदर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था किस आपको चीज पता का? नहीं है? वसीम रिजवी के खिलाफ? किसके खिलाफ हुआ था? वसीम रिजवी को लेकर भी, और वसीम रिजवी को लेकर नहीं हुआ था मेरे भाई, वो वसीम रिजवी को लेकर नहीं हुआ था। किसको लेकर हुआ था बताएं? आप वो अभी रिसेंट वाले की बात आप कर रहे हैं? हाँ अभी अभी जस्ट अभी लॉकडाउन रिसेंट की, वाले जस्ट की वाले बात? नहीं, वो वसीम रिजवी को लेकर नहीं हुआ था, किस किसको लेकर हुआ था बताएं? वो किसी और मुद्दे को लेकर, लेकिन मुझे इस चीज का याद नहीं है किस मुद्दे को लेकर। वसीम रिजवी के खिलाफ ये बताइए कौन सी तहरीक अहले सुन्नत वल जमात में बरेलवी हजरात ने चलाई जो पाए तकमील तक पहुंची? हमारी पाए तकमील तक इतनी यहां तक पहुंच गई कि हम परसों एक पीआईएल ये दाखिल करने जा रहे हैं कि इसको किसी भी अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के किसी भी इदारे में अध्यक्ष या सदस्य बनाने से हटाया जाए, क्योंकि जब जब ये सरकार में बैठता है तो किसी ना किसी किस्म की फसाद वाली बातें करता है। किसने किया? आपकी सार जितनी आपने जितनी भी पीएल दाखिल की हैं आपकी सारी एक्सेप्ट हुई हैं, बिल्कुल हुई है भैया, हमारी सुनवाई चलने जा रही है, सारे काम हुए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर हुई। तो ऐसा कीजिए एक पीएल और दाखिल कर दीजिए। किसके खिलाफ? अब ये जो जो है अब हिंदुस्तान के अंदर सीए लागू होने वाला है, इसके खिलाफ हम सीएए का समर्थन करते हैं।
का समर्थन करते हैं। सीएए का समर्थन करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में उन लोगों को रहने की इजाजत नहीं है जो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन गाते कहीं और की हैं। अगर अच्छा अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये जानते हैं कि आपके बाप दादा पर दादा सब यहीं के रहने वाले थे यहीं पैदा अल्हम्दुलिल्लाह, हुए, यहीं पैदा तो हुए, किसी यहीं के जिए, बाप यहीं मरे। अमित शाह या नरेंद्र मोदी के बाप की हिम्मत नहीं कि आपको निकाल सके। अब बताइए, वो तो आसाम बता रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे बाप दादा पर दादा सकर दादा लकर दादा हर एक आदमी यहाँ पे रहते थे। वो सिर्फ जबानी नरेंद्र मोदी के वो बाप की सिर्फ हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ जबानी लफाजी से काम नहीं जबानी चलता। लफाजी की बात नहीं मेरे भाई, मैं हाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं हमने आप ग्राउंड नहीं जानते, आप जब ये नहीं जानते कि आपके 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 पीराने उजाम क्या कर रहे हैं, आपको क्या मालूम? हमारे पीराने निजाम तो तलवारें लेके लोगों को कत्ल कर रहे हैं। आपने एक्सेप्ट किया माशाल्लाह, इस चीज को ऐसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे भाई। नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप भाई एक मतलब मिनट हमारे रुकेगा, एक पीराने निजाम तो इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, आपके मैं सॉल्व कहने की कर रहा बात हूँ। कर रहा हूँ।